सबको भाई मैं हूँ आशीष शौकीन। कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक टू द आशीष शौकीन चैनल। अरे भाई 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 भाई, आशीष शौकीन नहीं है ये है विक्रम मलिक बॉक्सर। तो आप सही चैनल पे आए हो, आशीष शौकीन का चैनल नहीं है ये। तो विक्रम भाई को भाई जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड जल्दी से इनके ढेर सारे सब्सक्राइबर आप बढ़ाओ, प्यार दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्रम मलिक बॉक्सर। स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारे साथ आए हैं। हेलो सबको भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन। कैसे हैं सब लोग? तो आशीष भाई, आप ये बताओ, ये गाड़ी आपने कब ली थी और इस गाड़ी का नाम क्या है? भाई इस गाड़ी का नाम कम लोगों को पता होगा, वैसे ये WRV नाम है इसका, होंडा की ये गाड़ी है और ये मैंने परचेज करी थी 2017 अक्टूबर में। तो 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास कि ये कैसी चलती है कैसी नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं अब आगे। ठीक है जी, एक बार आप लोगों को मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ गाड़ी का। ये बताओ, हाँ जी, ये गाड़ी मतलब जैसे आप ने WRV ली तो उस टाइम आपको कितने की पड़ी थी? भाई ये पड़ी थी 12.5 लाख रुपए की। मतलब 12.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी। हाँ जी, आपको 2017 में। मार्केट में जैसे उस टाइम मारुति ब्रेजा अभी आती थी। हाँ, और शायद नेक्सॉन लॉन्च हुई थी। हाँ जी, तो आप उनकी तरफ क्यों नहीं गए? भाई नेक्सॉन की लुक अच्छी नहीं लग रही थी और नेक्सॉन में सनरूफ नहीं थी, इसके अंदर सनरूफ थी और ब्रेजा के अंदर, ब्रेजा तो मारुति चाहिए ही नहीं। मतलब मारुति आपको पसंद नहीं? मतलब कारण क्या था? कारण यार बिल्ड क्वालिटी और मारुति के स्विच, मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि मैंने 8-9 साल पहले स्विफ्ट भी चलाई थी, तो वही स्विच ब्रेजा में है, वही स्विफ्ट में है, वही सिलेरियो में है, तो एक जैसा सिस्टम, मतलब सब में चलता वही चीज आ रही है। ठीक है, मारुति की पसंद नहीं थी भाई। टाटा नेक्सॉन भाई जस्ट लॉन्च हुई थी और उसकी आज वाली टाटा नेक्सॉन की लुक्स बहुत ही अच्छी लगती है, आगे से स्लीक सी लगती है, पुराने वाली यार गोल्ड मटोल सी लगती थी आगे से, हमें उसकी लाइट भी थोड़ी ज्यादा ठीक और सनरूफ वगैरह। लेकिन प्रोडक्ट जैसे एक नया आया था, तो आपने मतलब ये नहीं हुआ कि एक नया ब्रांड, मतलब एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है? मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आज से 5 साल पहले टाटा के ऊपर जाने पे हिचकते थे लोग। ठीक है, आज की डेट में तो चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन 4-5 साल पहले टाटा की गाड़ियाँ लेने से पहले लोग डरते थे। होंडा और टाटा का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, सॉरी टाटा फैन बॉयज, बुरा मत मानना। तो जो भाई ने बोला ये 100% मतलब कहते हैं ना, सही बात बोली है, क्योंकि जो होंडा के जो इंजन है, इनकी जो रिफाइनमेंट है, वो आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलती है। डीजल का देखो रिफाइनमेंट नहीं है होंडा के डीजल में, मान ली ये बात, थोड़ी सी वाइब्रेशंस है, लेकिन अगर आप इसके इंजन की रिलायबिलिटी देखोगे वो तो एक्सट्रीम है। आप 2 लाख किलोमीटर चलाओ, 3 लाख किलोमीटर चलाओ, कहीं नहीं जाते इनके इंजन, टाटा के इंजन खुल जाएंगे। जैसे आपने वाइब्रेशन की बात करी, मैंने सुना है कि जैसे हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अंदर हाँ, बैठते हैं, हाँ, तो जहाँ मतलब जो हमारे मतलब नीचे से एक वाइब्रेशन आती है थोड़ी सी, मतलब हाँ, आती है, लेकिन गियर वगैरह पे नहीं आएगी आपको? स्टीयरिंग पे है, कहीं ना पे? स्टीयरिंग पे है ना कहीं पे है, फ्लोर के अंदर आती है, वो भी ड्राइवर साइड नहीं आएगी। ठीक है, वो पैसेंजर साइड आती है और उस तरफ भी आपको बस जो पैर जहाँ पे रखते हैं ना, बस थोड़ी सी वहाँ पे फील होती है, बट यार डीजल है इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर आप ये बताओ, आपने मतलब 55,000 कितने चला चुके हो? भाई मैं इसको 70 चला 70 चला चुके हो, और माइलेज क्या आ रही है? माइलेज भाई 22 की, मतलब सिटी में 22 सिटी में बता रहा हूँ मैं, अगर हाईवे पे चला गया तो 25 के पार चली जाएगी। अच्छा, तो मतलब आप एक तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस से गाड़ी की खुश हो? बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत खुश है। कलर ये लेने का क्या कारण रहा था? आप मतलब जैसे व्हाइट किया, आपका पर्सनल चॉइस था? नहीं, पर्सनल चॉइस नहीं था यार, ये गाड़ी मेरे डैडी के नाम पे है, तो आर्मी से ये कैंटीन से ये गाड़ी निकलवाई थी, जिनको पता होगा CST कैंटीन क्या होती जी, है बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या था कि व्हाइट कलर की बिलिंग अलाउड नहीं थी, क्योंकि है। जो इसका व्हाइट कलर है वो एक्स शोरूम 5,000 रुपए महंगा होता है बाकी कलर से होंडा के, तो मैंने बोला था 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा ले लो, 10 ले लो, आप व्हाइट कलर तो दे दो। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा बिल पास नहीं हो पाएगा, तो व्हाइट के अलावा आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, तो थोड़ा सा यूनिक मेरे को लगा और देखने में भी ठीक लगता है, इसलिए फिर मैंने ये लिया। तो अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस अगर आप लोगों को बताऊं, तो इसमें 1500 cc का डीजल इंजन मिलता है जो कि 100 horsepower प्रोड्यूस करता है। टॉर्क अगर मैं करूँ तो 200 Nm का, तो मतलब एक पंच आपको अच्छा मिल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेजा से ज्यादा है भाई। ब्रेजा तो शायद 90 BHP के करीब आती है। हाँ जी, तो उसका 1.3 डीजल था, 1.3 डीजल था, जो 1.5 डीजल है, इसलिए कि अभी रीजन था कि मैं इस पे प्लस पॉइंट था आपके लिए। ठीक है, टायरों के साइज की अगर बात करी जाए, तो इसमें आपको 16 इंची टायर मिलेगा जो कि 195, 60 एंड ओवरऑल
R16। पर भाई एक और बात बताऊं, हाँ जी, मिचलिन के टायर कंपनी ने खुद से दिए हैं। अच्छा, ये मिचलिन के जो टायर मैं देख पा रहा हूँ, ये मतलब स्टॉक है, स्टॉक है, मतलब गाड़ी, मतलब आपने जब ली थी होंडा की तरफ से ही मिचलिन मिले, तब से लगे पड़े हैं। और एक बार आप इसकी ये दिखाओ, ग्रूव्स अभी भी 80,000 चल, 75 के आसपास चल चुकी है, अभी भी लगभग 10-15,000 किलोमीटर आराम से चलेगा। और बाकी अगर मेरे दोस्त वगैरह गाड़ी लेके घूमते भाई, उनके 30-40 पे खत्म। तो ये तो शायद मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि मिचलिन का टायर बाय कंपनी भाई, मतलब देती है भाई, होंडा देती है, टॉप मॉडल में देती है, लेकिन मतलब सब WRV में या होंडा सिटी वगैरह में भी, होंडा सिटी और WRV, मतलब होंडा WRV में तो देती है, सिटी में अब शायद मना बंद हो गया क्योंकि गुडियर वगैरह आ गए, लेकिन 2017 में देती थी। ठीक है, और अगर मैं गलत ना हूँ तो भाई उस टाइम पे सबसे मतलब इस बजट में आपको सनरूफ खाली यही गाड़ी प्रोवाइड करती थी, जो शायद मारुति की तो आज तक किसी भी गाड़ी में सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और देखो सनरूफ की जो बात है ना, आज की डेट में इससे सस्ती बहुत भी गाड़ियां आ गई है जिसके अंदर सनरूफ है। SUV की बात कर रहा हूं मैं, टाटा नेक्सॉन इससे कम में प्रोवाइड कर देगी, आपकी वेन्यू प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि ये है भाई बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है अपने सेगमेंट के हिसाब से। इस गाड़ी को देख के कोई बोल नहीं सकता कि 12 लाख से ऊपर की गाड़ी है, क्योंकि 12 लाख से ऊपर की गाड़ी अलग ही दिख जाती है, क्योंकि क्रेटा बेस मॉडल और सेल्टोस बेस मॉडल भी आ जाते हैं उसके अंदर। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इस टायर का जो आज की डेट में प्राइस है भाई, वो है आपका 10,000 के आसपास। ठीक है, 10,000 पार, मतलब तो आप खुद सोचो कि इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रही है होंडा, मतलब 40,000 रुपए के तो लगभग टायर ही है, टायर है अभी आज के। ठीक है, तो आप ये बताओ उस टाइम में आपने मतलब डीजल प्रेफर क्यों किया, जैसे होंडा जाना जाता है अपनी पेट्रोल के इंजनों के लिए, बस सिर्फ माइलेज। हाँ, क्योंकि और एक पेट्रोल गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। इससे पहले मैं टेरेनो चला रहा था, निसान की जो आती है, हाँ जी, जो डस्टर की जैसे दिखती है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो चलाता था, तो वो भी डीजल थी भाई, तो मेरे को इसीलिए डीजल ही पसंद था। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूं तो आपको 188 ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब ठीक है, या मतलब कहीं टच वगैरह होती है? टच तो नहीं हुई यार आज तक, मतलब मेरे से तो कहीं पर्सनली ऐसे टच नहीं हुई, बट अगर टक टक कुछ नीचे एक दो पत्थर लगा तो लगा। 188 mm सफिशिएंट होती है अगर आप इसको नॉर्मल अपनी कोई ऑफ रोडिंग नहीं करोगे तो, क्रेटा सेल्टोस से बराबर ही है, बराबर उसमें 190 आती है, 188, लेकिन देखने में इसकी लगती है कि थोड़ी सी डाउन है। हाँ जी, तो कुछ भाई गाड़ी का वो कहते हैं ना डायमेंशन, इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का डिजाइन है कि ये एक मतलब लगेगी नहीं, आपको लगेगी छोटी गाड़ी है। हाँ, उनके साइज, लेकिन अगर हम लेंथ वगैरह की बात करें तो सिमिलर उन्हीं के बराबर ही मानी जाएगी भाई, उनसे ज्यादा है, मतलब लेंथ इसकी क्रेटा वगैरह से ज्यादा है, ब्रेजा से ज्यादा, नेक्सॉन से ज्यादा। ठीक है, अगर आप ये बताओ जैसे आज के दिन जैसे XUV 3 होगी महिंद्रा की, और वेन्यू है टाटा नेक्सॉन है, क्रेटा किया सोनेट वगैरह, तो आप कौन सी गाड़ी की तरफ जाओगे? मैं नेक्सॉन ले लूंगा, लेकिन देखो महिंद्रा की मतलब उसके अंदर मान लिया डीजल इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर बूट स्पेस नहीं है। हाँ, बूट स्पेस की आपको मतलब कमी लगेगी, तो फिर मैं जाऊंगा तो फिर मैं नेक्सॉन की तरफ जाऊंगा। नेक्सॉन की तरफ, मतलब किया सोनेट वगैरह नहीं है? नहीं, मतलब आपको मतलब नेक्सॉन की तरफ आप पक्का 100% जाओ। हाँ, अगर आज की डेट में लेता तो नेक्सॉन लेता। ठीक है, तो सर्विस परफॉर्मेंस वाइज मतलब कैसा है इस गाड़ी का, मतलब सर्विस अगर आप जैसे कंपनी में कराते हो तो प्राइस वगैरह आपकी क्या निकल के आती है? बहुत एक्सपेंसिव है भाई, 18,000 रुपए की सर्विस होती है। 18,000 रुपए? अरे क्या बात कर रहे हो, बिल देख लो भाई आप, उसमें से चलो मैंने डिस्क अपने बदलवाए थे, हाँ जी, 4,000 के, आप वो हटा दो तो फिर भी भाई 14 की तो है ही, मतलब एक जनरल जो सर्विस होती है अपनी, इसकी 14,000 रुपए की, 14-15,000 रुपए की, तो मतलब एक तरह से मतलब जर्मन ब्रांड की तरह होती है, जैसे VW वगैरह। बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी, अगर कोई होंडा लेने की सोचता है ना तो ये सोच लेना कि सर्विस बहुत महंगी पड़ती है। जो एक आपको पता होगा मारुति स्विफ्ट वगैरह में एक टिच बटन से लगते हैं, हाँ जी, काले काले से होते हैं, हाँ, प्लास्टिक के, जैसे दबाव अटक आवाज आ जाएगी, वो मारुति में 1 रुपए का एक आता है, इसमें 51 रुपीज का एक है, एक प्लास्टिक का इतना सा पार्ट है, तो मतलब उसी से अंदाजा लगा लो, खाली एक नट आपको 50 रुपए का मिलता है, एक नट 50 रुपए का। तो बूट स्पेस दिखा दो, तो अब करते हैं बूट स्पेस की, इसमें बूट मिलता है आपको 363 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि मैं कहता हूँ इस सेगमेंट का ठीक है, गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये, मतलब आराम से भाई जी, आपको कोई दिक्कत आती है जैसे आप ट्रैवल भी करते हो? नहीं यार, मेरे को बहुत बढ़िया बूट स्पेस लगती है, आप शिकायत नहीं कर सकते, मतलब शिकायत नहीं कर सकते, ज्यादा नेक्सॉन से ज्यादा है, बस और क्या चाहिए। ठीक है, और इसका जो स्पेयर व्हील वो भी, वो ये रहा भाई, आज तक भगवान की दया से भाई यूज नहीं हुआ, और ये भी मिचलिन का ही है। अच्छा, ये भी मिचलिन का ही है भाई, देख लो, मतलब ब्रांड न्यू रखा हुआ है, सेम टू सेम, सेम इंच का है, तो टच आउट भाई ये यूज होना भी नहीं चाहिए भाई को, ऐसी और कोई सेम इंच का है भाई, अगर आज की डेट में मैं कोई नया टायर भी लगवाने जाता हूँ तो एक मेरा ये काम में आ सकता है, ये देखो मिचलिन का, और सेम 16 इंच का ही है, सेम प्रोफाइल जो मतलब आपको बाहर है वही है, मतलब छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो की बहुत बढ़िया बात है होंडा के लिए जो की। तो भाई एक बार मैं आपको
पीछे का स्पेस दिखाता हूँ जो कि भाई बैठ के दिखाएंगे। भाई ये ड्राइविंग पोस्चर है जी, इतनी स्पेस आपको किसी गाड़ी में नहीं मिल सकती। ठीक है आप ये देख लें, मैं दावा दे रहा हूँ कि मतलब सब फोर कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर इतनी स्पेस आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज है भाई जी, अंदर थाई स्पोर्ट इसमें थोड़ी सी कम है। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि स्पेस भर भर के है। अब जो शिकायतें एक बार उनकी भी बातें कर लेते हैं, थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। ठीक है, हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आगे की तरफ एसी वेंट नहीं मिलेंगे यहाँ, ये तो ये चार कमी है पीछे। ठीक, मतलब पीछे की है ये। हाँ, आगे एकदम परफेक्ट है, मतलब आगे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं, आगे कोई दिक्कत नहीं है, फुल लग्जरी फील आएगी आगे तक। ठीक है, ये लो भाई, आगे की तरफ तो परफेक्ट होती है, आपको हाइट एडजस्टेबल आपकी सारी चीजें मिल जाती है, जो आपकी एक्सयूवी में नहीं है वो इसमें भी है, टेलीस्कोपिक सारी चीजें इसमें। तो भाई ये होंडा है वो महिंद्रा, इतना तो फर्क रहेगा और हमेशा रहेगा। ठीक है, और भाई अंदर की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो आपको यहाँ की एसी कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, और जो कि मेन चीज है, मेन हाईलाइट इस गाड़ी का क्या है, आपको टच मिलेगा। हाँ, तो टच की बात करें तो भाई जी ये बताओ, ये यूजफुल है या नहीं है? टचफुल यूजफुल है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों वगैरह के लिए बेकार है। अच्छा, किस कैसे क्या पर्पस? यहाँ पे कोई टच कर देता है ना, बच्चा बैठा है कोड पैसेंजर वाली साइड पे, तो इसको कुछ भी टच करोगे ना, ये देखो कहीं ना कहीं लाइट जलेगी या कुछ काम हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप एक बार अपनी उंगली से टच करके देखो, आपको दबाना नहीं है, बस टच करोगे उसमें भी काम कर देगा ये, मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत ही बहुत ही बिल्कुल। अच्छा, अगर एक पंख भी टच हो गया तो फिर ये काम कर देगा, तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है। बाकी ये जो बटन है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि इस तरफ है ये, क्योंकि गाड़ी बंद नहीं होती अगर आप इसको चलाओगे दबाओगे तो, चलती मतलब चलती गाड़ी में अगर नहीं होगा, प्रेस करेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी, मतलब रुकने के बाद ही। हाँ, रुकने के बाद ही बंद होगी। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया, अगर कोई बच्चा वगैरह जैसे बैठ दबा देता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब एक डर नहीं। हाँ, डर नहीं लगता उसमें। और डैशबोर्ड की अगर बात करें तो बहुत ही लंबा डैशबोर्ड मिलता भाई, बहुत है इस सेगमेंट में, सबसे बड़ा डैशबोर्ड शायद इसी गाड़ी का इस सेगमेंट में, नहीं इससे ऊपर भी। अच्छा, स्कॉर्पियो ले लो या फिर आप एक्सयूवी ले लो, इनकी तो बात ही छोड़ दो। ये तो मतलब कहते हैं ना, ये इतना सा डैशबोर्ड देते हैं बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो डैशबोर्ड वगैरह बहुत छोटे हैं। तो भाई लगभग ये लगा लो पूरा हाथ, मतलब मेहनत लगती है अगर कुछ वहाँ पे रखा है ना उठाने। हाँ जी, और बाकी ये भाई आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे बटन है यहाँ पे आपको, वो है टेलीफोनिक ईयर, दो एयरबैग आपको मिलते हैं, गियर नॉब आप देख सकते हो बहुत ही स्लीक सा, आप अपने हाथ से पकड़ के देखो बहुत ही स्लीक सा, मतलब पकड़ने में मतलब बहुत एक मजा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सनरूफ की बताओ भाई जी, अगर ये मतलब यूजफुल है? यूजफुल तो है यार देखो, और मेरे को ये गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में यूजफुल लगती है। अच्छा, उसका रीजन क्या है भाई, सर्दी में क्या होता है, अपने शीशे वगैरह बंद कर लिए, एसी चलाओगे नहीं क्योंकि वैसे ही भाई बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको क्या करो, बस टिल्ट कर लो, बस यहाँ से सफोकेशन नहीं होगी आपको और गाड़ी के अंदर धूल मिट्टी भी नहीं आने की, तो इसलिए बेस्ट लगती है। तो आशीष भाई, लाइटों का क्या रिस्पॉन्स है रात को? इसमें आपने एचआईडी एलईडी या हैलोजन? नहीं भाई, ये मेरी एलईडी उतरी हुई है, घर पे मेरी एक्सीडेंट हो गया था आगे से। अच्छा, तो आप देखोगे ये जो सिस्टम है। हाँ जी, ये बॉडी कलर कर रखा है मैंने, ये जाली, ये ठीक ये, है ये ब्लैक आता है। ओके, तो ये इसमें बॉडी कलर करवा दिया था मैंने, और मेरी एलईडी लगवा रखी है फिलिप्स की, वो घर पे उतार के रख दी थी होंडा वालों ने, उन्होंने बोला हमसे टूट जाएगी आप घर ले जाओ। ठीक है, तो मतलब आपको ये नहीं होता कि जैसे अब शायद जो रिसेंटली जो WRV आ रही है उसमें आपको प्रोजेक्टर आ गया? ठीक है, तो यही तो दो चार कमी है यार, अपने टाइम के साथ तो अपग्रेड करती है गाड़ियां। हाँ जी, तो अब इसके अंदर प्रोजेक्टर आने लग गए हैं और नीचे के भी एलईडी बल्ब आ चुके हैं फॉग लैंप के, फॉग लैंप, तो अब अपडेट नहीं करेंगे तो बिकेंगे कैसे, और अब तो यार अपडेट करने के बाद भी नहीं बिक पा रही है। हाँ, मतलब इसकी सेल्स थोड़ी सी कमी कम हो चुकी है। होंडा गाड़ियों को आपने जैसे बताया इसकी मतलब सर्विस इतनी महंगी है, थोड़े से ना लोग डरते हैं, मतलब डरते हैं होंडा को लेने से। हाँ, पर रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया है यार, जापानीज कंपनीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, होंडा टोयोटा, इन दोनों गाड़ियों को आप होंडा सिटी देख लो, कितने कितने लाख किलोमीटर चली हुई होती है IVTEC इंजन, बिल्कुल, होंडा और टोयोटा हुए, तो फिर रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। तो भाई आप लोगों ने देखा, आशीष भाई ने अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद डीजल WRV। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, कुछ भी गलती होगी हो मेरे से तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ कल रात को 8 बजे, टिल देन अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।